दोस्तों श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा में भूल कर भी नहीं करें ये काम, वरना आपको पछताना भी पड़ सकता है और आपकी पूजा भी अधूरी मानी जाएगी। जी हां दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी 15 अगस्त को है और इस दिन आपको भूल कर भी पूजा में कुछ ये खास काम नहीं करना है, अन्यथा आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी और कुछ ऐसे काम है जिनसे आपको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। क्या है ऐसे खास काम, जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। जय माता दी। दोस्तों एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों बता दें कि यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ जाए तो इसे लाइक शेयर करना नहीं भूलें और साथ ही इसी तरह की और भी जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस आपको तुरंत सबसे पहले मिलती रहे। बता दें दोस्तों कि हर साल भादो महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। अगर आपके घर लड्डू गोपाल स्थापित हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कि अगर पूजा के दौरान कोई गलती हो जाए तो पूजा अधूरी रह जाती है और उसका फल नहीं मिलता, इसीलिए भगवान विष्णु या श्री कृष्ण की पूजा के दौरान ध्यान रखनी चाहिए ये बातें, जिसमें सबसे पहली बात आती है लड्डू गोपाल। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी भगवान विष्णु और गोपाल जी को बिना स्नान कराए भोग नहीं लगाना चाहिए और ना ही स्वयं को बिना नहा धोए भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा परेशानी आपकी बढ़ती ही है। दूसरा काम ये है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी का बहुत महत्व होता है और भगवान को भोग लगाने से पहले उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल लेना चाहिए, इसके बिना आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी एवं यह पूजा भगवान के द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। तीसरा काम, तीसरी बात यह है दोस्तों कि सिले हुए और जूट के वस्त्र पहनकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। और चौथा काम ये आता है कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में घी के दीपक का बड़ा ही महत्व होता है, इसीलिए पूजा के समय एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और हो सके तो गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं तो बेहतर रहेगा, अन्यथा यदि आप दीपक भी नहीं जलाते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो ये तो हो गए चार ऐसे काम जिनको यदि नहीं करते हैं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। तो हमें तो क्या करना है, भगवान को प्रसन्न करना है और प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी से मतलब ये है कि हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाली ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे जिनसे उनको शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सके। अब इसके साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि आपको भूल कर भी इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मांस मदिरा या फिर दारू ड्रिंक कुछ भी सेवन नहीं करना है, यानी कि कुछ ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना है जिनसे आपका शरीर अशुद्ध हो जाए। और जिस घर में अशुद्धता रहती है उस घर में कभी भी कोई भी देवी शक्ति प्रवेश नहीं करती है। तो हमें तो भगवान को निमंत्रण देना है तो ऐसे काम नहीं करना है। अगली बात यह है कि आपको कभी भी भूल कर भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही अपने से बड़े बुजुर्गों का या फिर अपने से छोटे बच्चों का अपमान करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होगी और हमेशा आप किसी न किसी कारणवश परेशान और तंगी से घिरे हुए रहेंगे। अगली बात यह है दोस्तों कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की झूठी गवाही देना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो देवी शक्ति आपसे अरुष्ट हो जाती है और कभी भी उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी। तो ऐसे काम भूल कर भी नहीं करें जिनसे हमें बाद में पछताना पड़े या फिर नुकसान उठाना पड़े। हमारा उद्देश्य मात्र यही है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हमें हमेशा सफलता मिलती रहे और देवी शक्तियों की भगवान की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों आपसे निवेदन यही करते हैं कि यदि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आ गई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हमारे अन्य मित्र ऐसे कोई भी गलत कार्य करने से बच सकें। और वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आ गई हो तो इसे लाइक जरूर करें
और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।